से आए हैं। अपन ने प्रीवियस लेक्चर पर पढ़ा था SN2। अगर SN2 आपने ना देखा हो तो आप वहां पर टाइप करें केमिकल सुभाष यादव SN2 रिएक्शन। आपको वहां हर एक मैकेनिज्म से लेकर एग्जांपल तक हर एक पॉइंट वहां पर मैंने क्लियर कर रखा है। आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज उसी के नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अगले पार्ट में आ रहा हूं और इस रिएक्शन का नाम है बच्चों SN1 रिएक्शन। क्या नाम है? SN1 रिएक्शन। जैसे वो रिएक्शन थी SN2, इस रिएक्शन का नाम है SN1 रिएक्शन। मुझे ये बताएं, मैंने SN2 रिएक्शन का फुल फॉर्म बताया था और मैंने ये कहा था कि हर एक रिएक्शन अपने आप में खुद के नाम को डिफाइन कर रही है। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इनका नाम कुछ इस तरीके से रखा गया है कि ये अपने आप को डिफाइन कर रहा है। जैसे S डिनोट फॉर सब्स्टिट्यूशन, N डिनोट्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 डिनोट्स फॉर यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? जिसकी मॉलिकुलरिटी क्या हो बच्चों? 1। अब मैंने आपको मॉलिकुलरिटी बहुत अच्छे से वर्ड वहां समझाया था कि एक साथ एक टाइम पे कितनी एक्सेस में रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड मॉलिकुलरिटी। जैसे SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या हो रहा था आपने फील किया। आज मैं पूरी बात किस पर करने वाला हूं? SN1 रिएक्शन पर करने वाला हूं। क्लियर? तो SN1 रिएक्शन में भी जो अपन रिएक्टेंट लेते हैं बच्चों, रिएक्टेंट यहां पर भी हम लेते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन प्रोसीड की जाती है। बात यह आती है कि सर SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में क्या फर्क है, क्या अंतर है? तो हमें यह जानने के लिए बच्चों SN2 रिएक्शन तो अच्छे से पढ़नी होगी। देन उसके बाद जब SN1 रिएक्शन में आज बात करूंगा इसके लिए, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें SN2 फिजिबल नहीं था वहां पर, जहां SN2 फिजिबल नहीं था। जैसे बच्चों टर्शियरी हैलाइड, आपको बताया कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता था, तो टर्शियरी हैलाइड रिपल्शन फैक्टर की वजह से SN2 रिएक्शन नहीं देता था। क्लियर बात समझ में आती है? लेकिन SN1 रिएक्शन उस टर्शियरी हैलाइड के साथ रिएक्शन प्रोसीड करती है और इनफैक्ट बहुत अच्छी रिएक्टिविटी होती है। इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए अपन यहां पर चीजों को रिवाइज करेंगे और एक बार अपन समझेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या होता है। क्लियर? तो यहां पर बच्चों बात करेंगे, तो सबसे पहले बात हम किसकी करने वाले हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब हुआ कि ये रिएक्शन किस पाथवे को फॉलो कर रही है, ये रिएक्शन किस स्टेप में अपने आप को प्रोसीड करा रही है। तो ध्यान दें, यहां पर सबसे पहले बच्चों एक एल्किल हैलाइड प्रेजेंट होता है। एल्किल हैलाइड में अगर मैं थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। मान लीजिए मेरे पास ये हैलाइड है, कौन सा ग्रुप है? हैलाइड। तो बच्चों यहां सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा होगा कि हैलाइड की पोजीशन फ्री होगी और हैलाइड के जगह कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। इसका मतलब यहां एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा। अब सबसे मेन बात आती है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल यहां हम SN1 में लेते हैं, इसे हम वीक न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे क्योंकि यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेना है। अब इसका रीजन सुनिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं लेना है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैं ले लेता तो ये बैक अटैक कर सकता था और फ्रंट अटैक भी कर सकता था। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं बोलूं कि ये टर्शियरी हैलाइड है, तो मुझे बताया टर्शियरी हैलाइड में ये हैलाइड ग्रुप इस कार्बन की वजह से हाईली डेल पॉजिटिव और हाईली डेल नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका मतलब ये फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इसके हैलाइड में क्या आएगा? रिपल्शन आएगा। बात आती है अगर ये बैक अटैक करता है तो बच्चों टर्शियरी हैलाइड है, तो मुझे बताएं अगर इतना ज्यादा ये रिपल्शन क्रिएट करेगा क्या ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है? नहीं। इसीलिए यहां पर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आपको पहचानना है तो बहुत इजी है, वो हमेशा न्यूट्रॉन फॉर्म में होते हैं, जस्ट लाइक वाटर, एथेनॉल, मेथनॉल एंड एक्सेट्रा, सिंपल। तो यहां पर हम जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो जनरली हम क्या लेते हैं? वाटर, मेथनॉल एंड जनरली कुछ कहीं कहीं एथेनॉल भी हम ले लेते हैं, सिंपल। तो होता क्या है बच्चों, सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है?
वेट करता है इस हैलाइड के निकलने का। अब बात यह है कि हैलाइड ही क्यों निकलेगा, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जो है इनकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी हैलाइड से क्या होती है, लो होती है। हैलाइड की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होती है, अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज जब क्रिएट होता है तो वो बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अच्छी होती है, हाई होती है। तो मुझे बताएं ये हैलाइड किसकी वजह से निकलता है? तो बच्चों ये जो रिपल्शन फैक्टर इनकी वजह से क्रिएट हो रहा है, क्यों? क्योंकि टर्शियरी हैलाइड है, और टर्शियरी हैलाइड में जो ग्रुप है ये बल्की ग्रुप होंगे, ये आपस में इसे रिपल करेंगे, और रिपल करने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब ये बॉन्ड हो गया वीक, तो ये इजिली क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ मूव कर जाएंगे और एक्स यहां पर एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो मुझे बताएं एक्स जब निकला तो मेरे पास कौन सी स्टेट बनेगी, जरा इसी स्टेट को ध्यान से देखें। ये है कार्बन, यहां की अगर बात करें तो ये क्या है, आर टू, और यहां की अगर बात करें तो इसके पीछे क्या होगा, सॉरी ये आर थ्री है और यहां पर ये आर टू। तो मुझे बताएं ये है कैसा, अगर इस फिगर को आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें तो ये फिगर कुछ इस तरीके से है कि ये एक प्लेन है, जिस प्लेन के आगे की तरफ क्या लगा हुआ है, आर थ्री लगा हुआ है, पीछे की तरफ क्या लगा हुआ है, आर टू लगा हुआ है, ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, आर वन लगा हुआ है। इसका मतलब समझ लीजिए कि एक प्लेन है, और प्लेन में जब ये वैलेंसी फ्री हुई तो यहां पर चार्ज क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। sp2 का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर, यहां पर जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, प्लेनर आएगा। अब मुझे बताएं यहां पर अगर प्लेनरिटी आ रही है तो क्या ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब इस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस यहां पर प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये देखा कि यहां जो हैलाइड है ये किसकी वजह से निकल रहा है, ये ग्रुप्स के रिपल्शन की वजह से निकल रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत वीक है, इसलिए ये अटैक नहीं कर पाएगा, ये वेट करेगा हैलाइड के निकलने का। अब सोचिए किसी रिएक्शन में अगर मुझे वेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें टाइम लग रहा है, और टाइम लगने का मतलब ये स्टेप कैसा होगा बच्चों, आरडीएस स्टेप होगा। आरडीएस स्टेप का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सोचिए इस रिएक्शन में जो रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप है वो एक्चुअल में पूरा पूरा रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना, पूरा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे बताएं बच्चों अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती, इसके आरडीएस स्टेप पे, मतलब क्या हुआ, इसके कार्बोकैटायन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती कि कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है। इतनी बात आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करने की कोशिश करता है। अटैक करने की कोशिश करेगा तो सोचिए कोई प्लेनर मॉलिक्यूल है तो अटैक फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। अगर फ्रंट से हो रहा है तो बताइए इसका मतलब वहां पर रेसमाइन, सॉरी रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर जिस साइड हैलाइड लगा हुआ है उसी साइड न्यूक्लियोफाइल अगर आ जाए, इसका मतलब मैं क्या इसको इन्वर्जन बोलूंगा, नहीं, इसको मैं क्या बोलूंगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। क्लियर बात समझ में आ गई। अगर वो बैक अटैक करता है तो उस प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूंगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलूंगा। तो सोचिए बच्चों यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद, तो एक डायरेक्शन ये बन सकती है और एक डायरेक्शन बच्चों बैक अटैक से भी बन सकती है। तो सोचिए जब ये फ्रंट अटैक करेगा तो फ्रंट अटैक करने पर यहां पर इस हैलाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे बना सकता हूं बच्चों, यहां आर वन था, ये आर टू है, ये आर थ्री है बच्चों, और यहां पर क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया। क्या आपको सिंपल से समझ में आया, मैंने कोई इन्वर्जन नहीं किया है। जब फ्रंट से अटैक हुआ है तो फ्रंट से कोई इन्वर्जन नहीं हुआ है, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, रिटेंशन प्रोडक्ट। सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी। अगर ये बैक अटैक करता है तो बैक अटैक करने से ये हल्का सा क्या करेगा, इसको बेंड करेगा। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। अब इन्वर्जन आएगा तो सोचिए ये जो मॉलिक्यूल है ये हल्का सा बेंड करके क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसके इन्वर्जन प्रोडक्ट की बात करूं तो इन्वर्जन प्रोडक्ट में क्या होगा, आर वन, यहां पर क्या हो जाएगा आर टू, यहां क्या हो जाएगा आर थ्री, और बच्चों यहां लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो मुझे बताएं ये प्रोडक्ट कौन सा हुआ, इन्वर्जन प्रोडक्ट हुआ। कौन सा प्रोडक्ट हुआ, इन्वर्जन प्रोडक्ट हुआ। तो मुझे बताओ बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन, सॉरी अलग न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर रहा है और बैक से भी अटैक कर रहा है तो इनके प्रोडक्ट में आपको कुछ दिखा, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपने पढ़ रखा है,
क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो? एक वेज में होगा न्यूक्लियोफाइल तो दूसरा कहां होगा? डैश में होगा। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं कि इनमें रेस्माइजेशन होगा या प्रोडक्ट रेस्मिक मिक्सचर बनेगा? क्या इतनी सी बात समझ में आती है? अगर एक आर होगा तो दूसरा एस होगा। तो बताइए SN1 में पॉसिबल प्रोडक्ट कितने आ सकते हैं? रिटेंशन भी आ सकता है और इन्वर्जन भी आ सकता है। किसी ने कहा कि सर यहां पर रिटेंशन अच्छा होगा या इन्वर्जन अच्छा होगा, तो मुझे बताओ बच्चों, अगर अटैक बैक अटैक हो रहा हो तो ऑब्वियसली बात वहां कहीं ना कहीं रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हमने देखा कि आरडीए सिस्टम में तो सर प्लेनर बन रहा है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल तो सर ऊपर से भी अटैक करो या नीचे से करो, बात सेम होती है? नहीं बच्चों, यहां प्रॉब्लम रहा आती है कि ये जो हैलाइड होता है ये रिमूव करने के बाद इसी साइड होता है, क्योंकि एकदम से निकलता नहीं है, ये रिमूव होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है और ये हैलाइड इधर बहुत अच्छे से क्रिएट रहता है। इसका मतलब जब ये फ्रंट साइड में है तो क्या फ्रंट साइड में अभी भी रिपल्शन थोड़ा बहुत रहेगा? सिंपल सी बात है। तो यहां पर मेनली हम कहते हैं कि इन्वर्जन का जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? मोर होती है कंपेयर टू रिटेंशन। क्या क्लियर बात समझ में आ गई? तो मुझे बताओ क्या इसकी जो मेन पॉइंट की हम बात करें तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट इसमें यह आया कि अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है तो SN1 में फुल रेट लॉ किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, जो क्योंकि आरडी सिस्टम में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। इसका मतलब सोचो, अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज द मॉलिक्युलरिटी, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी। तो मुझे बताओ यहां सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रोसीड कर रहा है, इसीलिए बच्चों इसको मैंने नाम दिया यूनिमोलिकुलर। तो SN1 रिएक्शन से मुझे बहुत अच्छी सी चीज मिलती है कि यहां से मैं समझ सकता हूं वन का मतलब क्या होता है, यूनिक मॉलिक्यूलर। क्या क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए इसे कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं और उसके थ्रू अपन क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से यहां पर समझेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए, तो की पॉइंट में अगर हम सबसे पहली बात करें तो आपको समझ में आएगा कि इसके की पॉइंट में सबसे पहली बात हम करते हैं रेट लॉ। तो मुझे बताओ बच्चों, रेट लॉ किस पे डिपेंड करेगा? क्या मैं कह सकता हूं कि रेट लॉ सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, मतलब एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा? और मुझे बताओ क्या एल्किल हैलाइड हैलाइड रिमूव करने के बाद आरडीए सिस्टम में क्या बन रहा था? कार्बोकैटायन। इसका मतलब मैं यहां पर सिंपल सी एक बात बोल सकता हूं कि अगर मैं रेट लॉ को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? के रिएक्टेंट। तो मुझे बताओ क्या इसे देखकर आप समझ सकते हो कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा बच्चों वन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? वन। तो सब कुछ आपको यहां से क्लियर हो रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है? वन है। मॉलिक्युलरिटी भी क्या है? वन है। मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो मॉलिक्युलरिटी भी क्या है? वन है। तो मुझे बताओ क्या मैं इसे देखकर नहीं समझ सकता कि SN1 रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है? SN1 रिएक्शन को वन को अगर हम ध्यान दो थोड़ा सा, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं याद रखने का। SN2 था तो SN2 में 2 आ रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों वहां पर प्रोसीड कर रहे थे, रेट लॉ दोनों पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहां पर रेट लॉ दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहां क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि मान लीजिए अगर रिएक्टेंट को मैं 2 गुना कर दूं तो रेट लॉ पे क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही चीज बोलूं कि न्यूक्लियोफाइल को अगर मैं 2 गुना कर दूं तो रेट पर क्या डिपेंड करेगा? रेट कितने गुना हो जाएगा? तो बच्चों क्या रेट में कहीं न्यूक्लियोफाइल आ रहा है? नहीं। इसका मतलब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को 2 गुना 3 गुना 5 गुना कुछ भी करूं उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, रेट प्रॉ रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सिंपल सी बात समझ में आती है। सेकेंड बात अगर हम बात करें तो सेकेंड बात की अगर करें तो मुझे बताओ आरडीए सिस्टम में क्या फॉर्म हो रहा था? कार्बोकैटायन। तो यहां मैं लिख सकता हूं कार्बोकैटायन फॉर्म एज इंटरमीडिएट। सिंपल बात है, एज अ इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो मुझे बताओ किस पर डिपेंड करेगा सब कुछ? एल्किल हैलाइड के बने हुए कार्बोकैटायन पे। इसका मतलब मुझे बताओ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, क्या मुझे पता है कि टर्शियरी हैलाइड हो तो जब ये रिमूव होगा तो कार्बोकैटायन टर्शियरी बनेगा? इसका मतलब मैं सिंपल वे में कह सकता हूं कि यहां पर टर्शियरी हैलाइड सबसे अच्छी रेट देगा, देन सेकेंडरी हैलाइड, देन प्राइमरी हैलाइड। जनरली बच्चों यहां प्राइमरी हैलाइड के साथ SN1 फॉलो नहीं करती है। अब आप खुद समझ गए होंगे क्यों नहीं करती है, बेसिक पार्ट है, क्योंकि कार्बोकैटायन कभी भी 1 डिग्री पे स्टेबल नहीं होता है।
किसी बात समझ में आ गई, तो कितनी इजी तरीके से हमने इस रिएक्शन को समझा। तो अपन ने क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स मुझे बताओ, रेट और किस पे डिपेंड करता है ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। दूसरी, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, आरडीएस स्टेप पे, इसका मतलब जितना अच्छा कार्बोकैटायन उतना अच्छा रेट। सिंपल सी बात समझ में आती है। अगर यहां पर थर्ड पॉइंट की बात करें, सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट यहां पर बच्चों हम लेते हैं, मैंने आपको सॉल्वेंट के बारे में बताया था कि सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस होती है और पोलर अप्रोटिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस नहीं होती है। तो यहां क्या होता है बच्चों, जब ये कार्बोकैटायन बनता है तो इस कार्बोकैटायन की वजह से जो सॉल्वेशन इफेक्ट आता है, सॉल्वेशन इफेक्ट में सोचिए Br- जो मेरे पास लिविंग ग्रुप में निकला था हैलाइड माइनस, उसे स्टेबलाइज करने के लिए सॉल्वेंट सबसे अच्छा काम देता है और इसीलिए उसे हम बोलते हैं यहां पर सॉल्वेंट कैसा लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट लेंगे बच्चों, पोलर प्रोटिक, जस्ट लाइक वाटर। क्या वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बिल्कुल पोलर प्रोटिक है। कोई किसी भी टाइप का एल्कोहल, एल्कोहल में क्या होता है OH ग्रुप, इसका मतलब वहां पर भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर प्रोटिक होगा। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए कुछ ग्राफ की बात करते हैं, तो मुझे बताइए ग्राफ में क्या सबसे पहला स्टेप ये था कि वहां कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था और जो कि आरडीएस स्टेप था, इसका मतलब वहां पर टाइम क्या लगा होगा, बहुत ज्यादा लगा होगा। इसका मतलब सोचिए ग्राफ का जो पीक पॉइंट होगा वो बहुत हाई होगा पहले स्टेप में। सिंपल सी बात समझते हैं क्यों, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप था, पहला स्टेप जो कि स्लोवेस्ट स्टेप होता है। अब स्लोवेस्ट स्टेप है तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ क्या जाएगा, ज्यादा ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है क्योंकि टाइम लग रहा है सिंपल। अब मुझे बताओ दूसरे स्टेप में क्या था, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और अटैकिंग टेंडेंसी जब प्लेनर है तो बहुत जल्दी ये प्रोसीड होती है और बहुत जल्दी प्रोसीड होती है बच्चों, तो तुरंत क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है यहां पर ऐसा नीचे आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। तो यहां पर सिंपल से हमने बात की कि अगर स्टेप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो स्टेप ऑफ रिएक्शन यहां पर मैं कह सकता हूं फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, कितने स्टेप की रिएक्शन होती है, टू स्टेप। यही SN2 रिएक्शन अगर हम बात करते हैं तो SN2 में डायरेक्ट अटैक हो रहा था और तुरंत प्रोडक्ट बन रहा था, इसका मतलब वो सिंगल स्टेप रिएक्शन थी और ये कैसी रिएक्शन है, डबल स्टेप रिएक्शन। क्या सिंपल सी बात समझ में आती है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ को भी समझ लिया, ये कुछ एनर्जी है और ये रेट रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये कैसा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ किसी भी ग्राफ को देखकर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ग्राफ आपको दे दिया और पूछा गया कि गिवन ग्राफ में आरडीएस स्टेप कौन सा है, तो बहुत बेसिक नॉलेज है आरडीएस स्टेप का मतलब है कि बहुत स्लोवेस्ट स्टेप और स्लोवेस्ट स्टेप का मतलब क्या होगा, पीक क्या जाएगा, काफी हाई जाएगा। तो आप जिसका पीक काफी हाई जाए वो स्टेप क्या होगा, आरडीएस स्टेप होगा। सिंपल सी बात समझ आती है। अगर किसी ग्राफ में थोड़ा सा नॉलेज आपको दूं नंबर ऑफ स्टेप की, कि नंबर ऑफ स्टेप कैसे काउंट करते हैं, जितने लोग ये बनते हैं वो नंबर ऑफ स्टेप कहलाते हैं। क्लियर बस समझ में आ गई। मैक्सिमम पॉइंट जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। और मिनिमम पॉइंट जो होते हैं इन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। क्या ये थे बहुत बेसिक पॉइंट है जो कि हर ग्राफ में आपको मिलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में आपको ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन अगर बात करें SN1 रिएक्शन की, तो मेन मेन पॉइंट आपको क्या समझ में आए एक बार मुझे बताइए। सबसे पहला पॉइंट था कि एक एल्किन हैलाइड प्रेजेंट था जहां पर हैलाइड अपने आप रिमूव हो रहा था, जिसे स्टेबलाइज कौन कर रहा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि वहां पर नेगेटिव होगा और H नेगेटिव H पॉजिटिव में क्या होगा, अच्छी अच्छी बॉन्डिंग होगी, सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ क्या मेन पॉइंट मुझे समझ में आया कि यहां पर एल्किन हैलाइड में क्या होगा, हैलाइड निकलेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और वो स्टेप क्या होगा, आरडीएस स्टेप होगा। इसका मतलब सारी रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट के फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे, सिंपल सी बात समझ में आ रही है। तो कोई बोले कि टर्शियरी हैलाइड है तो सबसे अच्छा कार्बोकैटायन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होंगे जो कि डोनेटिंग ग्रुप होंगे, सिंपल। अगर मान लीजिए कहीं रेजोनेंस मिल रहा है और अच्छी बात है, सिंपल। लेकिन कभी प्राइमरी हैलाइड SN1 देगा, नहीं देगा बच्चों, क्लियर हो गया। तो अपने ये की पॉइंट्स देखे, मेन यहां पर सबसे अच्छा था रेट लॉ जो कि बहुत ध्यान रखना है, देन आरडीएस स्टेप को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर होगी बात। चलिए इसके बाद हम कुछ और बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो बच्चों ने यहां पर देखा कि कैसे हम की पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां आपसे पूछा जा सकता है रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, गिवन कंपाउंड्स होंगे
आपको समझना होगा कि इन कंपाउंड्स में रिएक्टिविटी किनकी अच्छी होगी, किसकी बेकार होगी। तो मुझे बताओ, आरडीएस स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा था, लिविंग ग्रुप निकल रहा था, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा। एंड सेकंड पॉइंट, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मैं आपको बता चुका हूं, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, देन एफ माइनस। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? आई माइनस। क्लियर बात समझ में आती है? जरा फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करता हूं, मुझे बताइए क्या होगा इसमें। सबसे पहले हैलाइड रिमूव होगा, सारे हैलाइड सेम है, इसका मतलब हैलाइड निकलने की टेंडेंसी सेम होगी। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड करेगा किसकी रिएक्टिविटी अच्छी है, किसकी रिएक्टिविटी बेकार है। आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रखा है, अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन ना पढ़ा हो तो आप वीडियो देखें, मैंने वीडियो डाल रखा है वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो वहां टाइप करें और आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से हम यहां बता सकते हैं कि कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं। तो मुझे गिनना क्या होता था बच्चों, सिंपल सी बात थी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिस पर हम क्या देखते थे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने का क्या होता है, कार्बोकैटायन से जुड़े हुए जस्ट कार्बन पे क्या करते हैं, जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो सब क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां कितने अल्फा होंगे, टू, यहां तीन और यहां तीन। इसका मतलब टोटल कितने हो गए बच्चों, टोटल हो गए एट अल्फा हाइड्रोजन। यहां काउंट करें थ्री एंड टू, टोटल कितने हो गए, फाइव अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर बात करें थ्री एंड थ्री, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन। मुझे बताएं ऑर्डर क्या आएगा, क्या ऑर्डर वन थ्री एंड टू, तो ऑर्डर आप लिख सकते हैं वन थ्री टू। क्लियर बात समझ में आती है? सेकेंड क्वेश्चन को देखें, सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिविंग ग्रुप अलग अलग है, इसका मतलब लिविंग ग्रुप अगर अलग अलग है तो सोचिए लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी अच्छी होगी। क्या मुझे पता है कि यहाँ पर आई माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तीनों कंपाउंड में क्या है, सेम है। इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे। तो मुझे बताएं आंसर में क्या लिख दूं, आंसर है थ्री टू वन। क्या क्लियर समझ में आ गया, क्या देखा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखें, क्या मुझे पता है कि यहां पर भी वही प्रोसीजर है, हैलाइड निकलेगा, क्योंकि हर कुछ रिएक्शन में डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड पे। इसीलिए क्वेश्चन अधिकतर रिएक्टिविटी में एल्किल हैलाइड के बेसिस पे ही आपसे पूछ सकता है। तो मुझे बताओ बच्चों, यहां क्लोरीन अगर रिमूव हो रहा है, यहां पर भी क्लोरीन रिमूव हो रहा है, यहां पर भी क्लोरीन रिमूव हो रहा है, तो क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड करेगा कि रेट किसकी अच्छी होगी किसकी बेकार होगी। क्या सिंपल सी बात है, मुझे बताइए यहां पर रेजोनेंस फैक्टर है और दो फेनिल रिंग है, क्या दोनों फेनिल रिंग के साथ रेजोनेंस होगा कार्बोकैटायन का। आप रेजोनेंस पढ़ चुके हैं। सेकंड मेंबर देखें तो एक फेनिल है और एक मैथिल है, इसका मतलब फेनिल के साथ तो रेजोनेंस होगा और इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तीन अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखें तो कोई रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो बताओ सबसे अच्छी फिजिबिलिटी क्या है, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा अच्छी रिएक्टिविटी। तो बताओ आरडीएस स्टेप में जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था तो वहीं पर डिपेंडेंसी थी कि यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे हम रिएक्टिविटी बता सकते हैं। तो मुझे बताओ रिएक्टिविटी यहां क्या होगी, सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी जाएगी वन टू थ्री। तो मेरे ख्याल से आपको रिएक्टिविटी अगर क्वेश्चन में आते हैं तो रिएक्टिविटी आप बहुत इजिली निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट सीखते हैं कि जहां जहां SN1 वैलिड नहीं करता। अभी आपको मैं बताने वाला हूं, देखते रहें और समझते रहें इस वीडियो से कि हम रिएक्टिविटी किस टाइप से हम देखते हैं SN1 रिएक्शन में। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है क्योंकि वो पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पूछे जाते हैं। मेनली यहां ये पूछा जाता है कि क्या यहां SN1 पॉसिबल है या नहीं, SN1 वैलिड होगी या नहीं होगी। तो मैंने आपको जैसे SN2 में समझाया था वैसे ही मैं आपको SN1 में समझाने वाला हूं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास कोई प्राइमरी हैलाइड है, तो बच्चों प्राइमरी हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देता, और आपको इसका रीजन मैं बता सकता हूं कि क्यों नहीं देता। आप खुद समझ रहे हैं कि जब क्लोरीन निकलेगा तो कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, और प्राइमरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से SN1 रिएक्शन यहां प्रोसीड नहीं होती है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखें, मान लीजिए मेरे पास कोई डबल बॉन्डेड हैलाइड लगा है, इसे हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। आपको पता होगा विनाइलिक और एलाइलिक, विनाइलिक का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड, तथा कि विनाइलिक कार्बन कौन से कार्बन होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन जो कनेक्टेड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन।
तो कभी कभी लिख कर आता है कि विनाइलिक हैलाइड है, क्या ये SN1 रिएक्शन देगा? तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि विनाइलिक का मतलब क्या होता है। कहीं कहीं ये कंफ्यूजन आता है कि सर विनाइलिक का मतलब नहीं समझ में आया। तो विनाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं उन्हें विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, और विनाइलिक कार्बन से लगा हुआ हैलाइड क्या कहलाएगा? विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर ये क्लोरीन रिमूव होता है तो क्या कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर आएगा? और हमें पता है डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। क्लियर समझ में आता है? तो इसी तरीके से सोचिए, अगर कोई बेंजाइलिक हैलाइड हो तो सेम है क्या? यहां पर जब डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकैटायन नहीं आ सकता तो बताइए बेंजीन के ऊपर कार्बोकैटायन तो हाईली अनस्टेबल हो क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होती है। क्लियर समझ में आ गया? तो इन तीन पॉइंट्स में क्या आपने समझा कि यहां SN1 रिएक्शन नहीं होती है? क्या आप इन्हें समझा सकते हैं? बिल्कुल, इन्हें आप ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मुझे बताएं, अगर मेरे पास कोई बाईसाइक्लो रिंग है और इसके ब्रिज हेड कार्बन में कोई हैलाइड लगा दिया, तो यहां पर भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर यह हैलाइड रिमूव होता है तो कार्बोकैटायन कहां बनेगा? जस्ट ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर बनेगा, और ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर कभी भी ये sp2 नहीं हो सकता कार्बन। और हमने ये देखा कि बताओ क्या यहां ब्रेड रूल वैलिड होगा? नहीं। इसका मतलब कभी भी अगर बाईसाइक्लो के ब्रिज हेड कार्बन से हैलाइड होता है तो यहां पर कभी भी SN1 रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। क्लियर बात समझ में आती है? इसी तरीके से बच्चों, सबसे पहली बात है, अगर मैं आपको सूडो कार्बन की बात करूं, मैंने आपको बताया था कल सूडो कार्बन, अगर यहां पर ये हैलाइड आता है जहां ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो सोचिए आप ऐसा मत सोचिए कि सर ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और इस कार्बोकैटायन को मैं शिफ्ट कर दूंगा। नहीं बच्चों, अगर ये कार्बोकैटायन शिफ्ट हो रहा है तो पहले ये कार्बोकैटायन बनना भी तो चाहिए। क्या ये कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन कभी बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा। इसीलिए यहां पर रिएक्शन SN1 प्रोसीड नहीं होती है। तो क्या आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए कि कहां SN1 होगी और कहां नहीं होगी, रिएक्टिविटी कैसी होगी, कब अच्छी होगी कब बेकार होगी? तो इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखें। जहां मेन पॉइंट्स है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मुझे बताएं अगर कोई साइक्लोप्रोपाइल के जस्ट जुड़े कार्बन पे हैलाइड लगा हो क्या ये SN1 रिएक्शन देगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या ये SN1 रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा बच्चों। क्यों? क्योंकि जब ये हैलाइड रिमूव होगा तो इस हैलाइड के रिमूव होने पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, क्या ये स्पीसीज आप पढ़ चुके हैं, इस स्पीसीज को बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। तो मुझे बताएं डांसिंग रेजोनेंस क्वांटिटी क्या होती है? बहुत स्टेबल होती है, इसीलिए यहां SN1 बहुत अच्छा प्रोसीड होगा, बहुत अच्छा प्रोसीड होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा बताइए मुझे, मेरे ख्याल से अगर मेरे पास मान लीजिए कोई एसीटोन है और एसीटोन से लगा हुए कार्बन पे मैंने हैलाइड लगा दिया, क्या अब यह हैलाइड रिमूव होगा तो कार्बोकैटायन कहां बनेगा? यहां। क्या यहां कार्बोकैटायन बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा। क्यों नहीं बनना चाहेगा? क्योंकि ये हाईली इंडक्टिव शो करेगा, रेजोनेंस फैक्टर तो शो कर नहीं सकता क्योंकि O पे पॉजिटिव आएगा जो कि हाईली अनस्टेबल है। इसलिए ओवरऑल ये क्या करेगा? हाईली माइनस आई शो करेगा, और माइनस आई पॉजिटिव के फेवरेबल नहीं होता है। तो बताओ क्या यहां SN1 रिएक्शन होगी? यहां भी SN1 रिएक्शन नहीं होगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, डांसिंग रेजोनेंस जहां SN1 रिएक्शन बहुत अच्छी होती है बिकॉज ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, इन सारे पॉइंट्स में SN1 रिएक्शन नहीं होती। बच्चों आपने रूल, आपने रीजन जान लिए सारे, तो आपको समझ में आ गए होंगे, आप इन्हें नोट डाउन जरूर करें बच्चों। क्लियर? सिर्फ वीडियो देखने से मेरे ख्याल से उतना क्लियर नहीं होगा, अगर आप पेन कॉपी चलाते रहेंगे तो आपके माइंड में चीजें क्या होती रहेंगी? सेट होती रहेंगी। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। क्लियर? जैसे देखा रिएक्टिविटी कैसे निकालते हैं, कैसे इसकी की पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया, और उन्हीं के हेल्प से अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आया हूँ, तीनों कॉन्सेप्ट अलग है और तीनों क्वेश्चन बहुत अलग है। तो तीनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि SN1 रिएक्शन हम कैसे प्रोसीड करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि SN1 रिएक्शन पहचानते कैसे? तो मुझे बताइए, वाटर एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर बात है, हैलाइड ब्रोमीन अच्छा लेविंग ग्रुप है, और कार्बोकैटायन बहुत अच्छा बन रहा है क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है। तो बच्चों इस बेसिस पे हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी? SN1।
क्या होता है SN1 रिएक्शन में, एक बार रिवाइज कर दें। सबसे पहले हैलाइड रिमूव होगा, हैलाइड रिमूव होगा तो क्या फॉर्म करेगा एज अ कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद बच्चों C2H5 पे कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद क्या प्रोसीजर आता है, क्या मुझे बताएंगे आप? बिल्कुल, यहां पर क्या होता है, अब न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट आता है, और न्यूक्लियोफाइल बच्चों यहां क्या है, वॉटर। अब ये वॉटर क्या कर सकता है, ये वॉटर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ये प्लेनर है, इसकी शेप क्या होगी, प्लेनर होगी। तो मुझे बताएं प्लेनर में अटैक फ्रंट भी पॉसिबल है और प्लेनर में अटैक बैक भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये होगा रिटेंशन प्रोडक्ट भी होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी होगा, और जब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों आते हैं तो उसे हम रेस्माइजेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब यहां कैसा होगा, रेस्मिक मिक्सचर बनेगा। क्लियर बात समझ में आती है? तो मुझे बताओ अगर ये फ्रंट से अटैक करता है तो ये रिटेंशन होगा। इसका मतलब फ्रंट से अटैक करने पे जो ये वाटर जुड़ने वाला है ये कुछ इस तरीके से जुड़ने वाला है। सही बात है, क्योंकि वाटर का अटैक होगा तो पॉजिटिव ओ पे आ जाएगा। और इसके आने के बाद एक स्टेप और फॉलो होता है बच्चों, जहां ये H प्लस रिमूव होता है, और रिमूव करता कौन है, यही सॉल्वेंट। ये फिर से वाटर से H प्लस ले लेता है, और फाइनली मेरे पास क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन हट जाएगा, ये H प्लस रिमूव हो जाएगा, और मेरे पास ग्रुप कौन से लग जाएंगे बच्चों, मेरे पास लग जाएगा OH ग्रुप। तो जनरली अपने को ध्यान रखना है कि वाटर अटैक करने पे ग्रुप कौन सा ऐड हो रहा है, OH ग्रुप ऐड हो रहा है। तो सोचिए OH ग्रुप रिटेंशन में होगा तो फ्रंट साइड अटैक करेगा, और अगर बैक साइड अटैक करेगा तो यही OH ग्रुप कहां अटैक कर लेगा, बैक साइड। और बैक साइड अटैक करने के बाद प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आती है? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं चीजों। सबसे पहले रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, क्या आपको समझ में आ रहा है? वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल, ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप, कार्बोकैटायन बेस्ट। तो बताओ मुझे सबसे पहले क्या होगा, ब्रोमीन रिमूव होगा, रिमूव होगा तो मेरे पास बनेगा क्या बच्चों, कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट। और कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अगर उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे अच्छी स्टेबिलिटी इसको मिलेगी तो ये जरूर शिफ्ट करना चाहेगा। क्या इतनी सी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये जीओसी का? तो मुझे बताओ यहां पर शिफ्टिंग जो होने वाली है उसमें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मेथाइल से अच्छा किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो ये क्या करता है बच्चों, 1:2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। कैसी शिफ्टिंग होती है, 1:2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। और 1:2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करने के बाद ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब ये इससे अच्छा कार्बोकैटायन कंपाउंड में नहीं बन सकता। अब क्या होगा, ये वाटर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, लेकिन यहां कोई काइरल सेंटर नहीं है मेथिल ग्रुप की वजह से, इसलिए यहां पर कोई ऊपर से अटैक और नीचे से अटैक का कोई मतलब बनता नहीं है। तो मुझे बताओ फाइनल प्रोडक्ट में क्या मुझे पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ OH ऐड कर देना है जहां कार्बोकैटायन लगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो बताइए ये कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा तो मेरे पास OH ग्रुप कहां अटैच हो जाएगा, क्योंकि वाटर से क्या होगा, सबसे पहले वाटर अटैक करेगा, H प्लस अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो आपको इतनी प्रॉपर्टी पता है, अगर वाटर अटैक कर रहा है तो ग्रुप कौन सा अटैच होगा, OH ग्रुप अटैच होगा। क्लियर बात समझ में आती है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले SN1 रिएक्शन क्लियर हो रहा है तो मुझे बताओ ब्रोमीन निकलेगा और कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। एक और प्रॉपर्टी कार्बोकैटायन की होती है रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंड कर जाती है बच्चों। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 5 मेंबर रिंग से अच्छी स्टेबिलिटी होती है 6 मेंबर, और ऐसा तब होता है जब रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तभी ऐसा फील होता है। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, या तो ये बॉन्ड टूट के इससे जुड़ जाएगा या फिर ये बॉन्ड टूट के इससे जुड़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कभी भी आपको रिंग एक्सपेंड करना हो आप नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लिया आपने। अब आप सोचो कि इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आप तोड़ रहे हो और आप जोड़ किससे रहे हो, इस 1 से जोड़ रहे हो। तो मुझे बताओ 1 और 6 में बॉन्ड बन जाएगा, 2 की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और फ्री वैलेंसी है तो कार्बोकैटायन कहां आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, जो प्रोडक्ट मेरे पास बनने वाला है वो एक्चुअल में 6 मेंबर रिंग बनने वाली है। नंबरिंग आप कहीं से भी करिए रैंडमली, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ बच्चों क्या अब 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मेथिल ग्रुप, तो मैंने मेथिल जोड़ दिया। 2 पे क्या आएगा, कार्बोकैटायन, तो मैंने कार्बोकैटायन रख दिया, और सब कुछ वैसा ही है जैसा इसमें बना हुआ है। क्लियर? अब क्या होगा, क्या ये अभी अपने बेस्ट पोजीशन पे है? नहीं,
क्या ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करके टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है बच्चों। तो ये जब कर सकता है तो करेगा, और करने के बाद ये कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बना लेगा। और कार्बोकैटायन जब बन गया तो अब कार्बोकैटायन पे कौन सा अटैक होगा? वॉटर का। और वॉटर का अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा बच्चों? कुछ OH ग्रुप इस तरीके से लग जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा कैसे 5 मेंबर से 6 मेंबर बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरीके से मैंने असेंबलमेंट रिएक्शन को कंप्लीट किया। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। की पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान रखने, मेन मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देखते रहें, और केमिकूल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।